अगर अपने घर में अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करवाते हो फॉल सीलिंग में, तो एक कमरे में फॉल सीलिंग करवाने का कितना खर्चा आता है, इस वीडियो के बाद गारंटी है कोई भी कैलकुलेट कर लेगा। ऐसे तो लमसम आप दे दोगे 100 रुपये, 120 रुपये, 130 रुपये स्क्वायर फुट, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल नहीं यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो देखो, कैलकुलेट खुद कर लोगे। जो हमारा डिज़ाइन बनने वाला है कुछ ऐसा दिखने वाला है, वो इस जैसे सामने देख रहे हो, चारों तरफ हमारा पट्टी रहेगी, ट्रे जिसे बोला जाता है, ट्रे रहेगी और बीच में कोब रहेगा और पूरी फॉल सीलिंग होगी। पहले जो ये ट्रे होती है सामने, इसकी मेजरमेंट होती है, मैं आगे थ्योरेटिकल बताने वाला हूँ लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो दिखा रहा हूँ। ये जो ट्रे होती है, पहले इसकी मेजरमेंट होती है, जैसे ये सामने ये ट्रे है ना, ये डेढ़ फीट की होती है, मोस्टली 1.5 फीट बनाते हैं लोग। अंदर की जो कोब होती है, मतलब जहाँ पे ये एरिया, ये 2 इंच का रहता है, इसके अंदर 5 इंच का होता है, लेकिन हमें ये 2 इंच वाला काउंट करना होता है, तो इसका भी रनिंग फीट में भी रहता है और कुछ स्क्वेयर फीट में भी ले जाते हैं। देखो समझना इसको, अभी ये वही फॉल सीलिंग का हमने यहां प्रिंट कर लिया, अभी यहां से लेके यहां तक है 12 फुट और यहां से यहां लेके ये हमारा 10 फुट कमरा। सबसे पहले जो ये ट्रे है, ठीक है, ये 1.5 फीट की थी, 18 इंच, तो ये यहां से लेकर 12 फुट है, तो हमने लिख दिया 12 फुट। सिंपल प्रोसेस समझना, 12 फुट लिख दिया। फिर ये 1.5 फीट है, कितना है 1.5 फुट, तो ये लिख दे 1.5 फीट, क्लियर। यहां से लेके यहां 12, और सेम इधर भी वैसी होगी क्योंकि हमारा 12x10 का कमरा है, ये भी 12 है और ये भी 12 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया 36 स्क्वायर फीट, ठीक है, 36 स्क्वायर फीट मिल गया। ये और ये समझ लो, ये पहला स्टेप हो गया, ऐसे कर रहे हैं। फिर दूसरा आपको क्या है, जो ये पट्टी होती है, मतलब जैसे 2 इंच की मैंने पट्टा दिखाया आपको, मतलब ऐसे था ना कुछ, बाहर से हमें ऐसे दिख रहा था, अंदर ऐसे होता है, ये होता है को, ये जो पट्टी है इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। ये जो पट्टी आपको सामने दिख रही है, वीडियो भी दिख रही है, तो यहां से लेके यहां तक होगा, यहां तो नहीं होगा क्योंकि यहां हमने 1.5 फीट में ले लिया, ये पूरे ट्रे है, ट्रे के अंदर तो नहीं होगा, यहां से यहां है, तो मतलब टोटल 12 फुट है, तो 1.5 फीट यहां से निकलेगा, माइनस 1.5 फीट और 1.5 फीट यहां से निकलेगा, तो कितना बचा 9 फुट। और 2 इंच की पट्टी है, 3 की भी लेते हैं, 2 इंच की बनाई हुई है, तो ये आ गया, तो ये हो गया 18 रनिंग फीट, इतना यहां से लेके 18 रनिंग फीट, एक यहां होगा, सेम यहां भी होगा, तो दूसरा भी लिख देते हैं 9 × 2, वो भी 18 हो गया। यहां तक क्लियर हो गया, ऐसे कैलकुलेशन की जाती है। फिर ये वाला जो एरिया है टोटल कितना था 10 फीट, तो 1.5 फीट हमने यहां तो ले लिया पहले ही, मतलब उसको 12 कर लिया पूरा, तो 1.5 फीट यहां से निकल जाएगा, 1.5 फीट यहां से निकल जाएगा, बीच में कितना बचा 7 फुट, 7 फुट बचा, तो 7 × ट्रे, ट्रे कितने की है, पहले ट्रे की, ये ट्रे की कैलकुलेशन है, 1.5 फुट है, तो 7 × 1.5 कर दिया 10.5 ये स्क्वायर फुट हमारा ये आ गया। सेम एक ट्रे यहां है, यहां से यहां तक, एक सेम यहां भी होगी ना, यहां से यहां तक, तो वो भी कर देंगे 7 × 1.5, तो हो गया 10.5 स्क्वायर फुट। फिर अभी जो पट्टी है, पट्टी भी लेनी पड़ेगी, यहां पट्टी होगी वो भी 7 ही होगी, यहां भी होगी एक और यहां भी पट्टी होगी 7, तो 7 × 2 = 14 RFT, 7 × 14 RFT। अभी यहां देखो कुछ वैल्यू, जो ट्रे थी हमारी वो स्क्वायर फीट में बनी और जो पट्टी थी वो रनिंग फीट में बनी, तो इसका लगा लो हमने रेट फिक्स किया था, जैसे 80 रुपए है, 80 रुपए रेट फिक्स किया था कि जो हमारा फॉल सीलिंग का रेट 80 रुपए, लेकिन जो पट्टी का रेट है आप कम कर सकते हो, और ये कम करवाना होता है, यहीं पे वो 80 रुपए लगा देते हैं और महंगा पड़ता है, आपको बोलना है कि 40 से 50 रुपए RFT हम पट्टी का रेट देंगे, ये चीज क्लियर करना, कितना 40 से 50 रुपए, यहां आप पैसे बचा सकते हो, तो टोटल कितना हो गया हम, लेकिन हमने जो उसको रेट दिया था वो 80 रुपए टोटल, ऐसे सिंपल कर दिया था पूरे का 80 रुपए, आप कम भी कर सकते हो, तो टोटल करता हूं मैं इसको, ठीक है, ये हो गया 121, इसको टोटल करना, प्लस 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 किया, 121 स्क्वायर फुट हमने एरिया आ गया। और लेकिन हमारी जो फॉल सीलिंग थी ऊपर भी है ना, उसका डायरेक्ट छत पे तो चिपका ही नहीं है, पहले उसका 5 इंच नीचे डाउन की, उसके नीचे ये डिजाइन बना, जो ऊपर वाली होती है उसको हमने कर दिया 12x10 का कमरा था, तो 120 हो गए। और कभी गलती मत करना, डायरेक्ट छत के साथ मत कभी फॉल सीलिंग करवाना, सस्ते रेट में वो क्या करते हैं, जहां जहां डिजाइन होता है वहां वहां नीचे कर देते हैं, बाकी जगह पुट्टी मार देते हैं और बाद में वो डैम्पनेस बन के निकल जाता है। 121 ये आया था,
120 पूरा ऊपर वाला छत आ गया, तो हो गया 241 स्क्वायर फीट। कितना? 241 स्क्वायर फीट हमारा एरिया हो गया इसका। तो अभी हो गया 80 रुपए रेडिएटर हमने पकड़ा है, तो 19,280 रुपए हमारा फॉल सीलिंग करवाने का खर्चा आएगा। अभी हमारा बिजली का भी बिल, ये कोई आपको बताएगा नहीं, सिर्फ आपको बता देगा कि आपका 19,000। तो ये हमारे जो बिल रहे, जो हमने लाइट लगाई थी, स्ट्रिप लाइट हो गई या जो डीप लाइट्स हो गई, तो इनका मैं आपको बताता हूँ कैसे खर्चा निकालते हैं। तो हमारा ये वो है 12x10 का कमरा जो जो हमने, तो हमने चूज कर ली कि हमारी लाइट एक यहां आ रही है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, जहां जहां आपको लाइट रखवानी है रखवा लो। 15 पॉइंट टोटल बन रहे हैं कि 15 पॉइंट हम लाइट के लिए दे रहे हैं और बीच एलईडी जो स्ट्रिप रहती है उसके पॉइंट है इसमें। तो जो इस समय लेबर कॉस्ट है 90 से 120 रुपया पर पॉइंट आपसे ले सकते हैं वो जो इलेक्ट्रिशियन होता है। तो 90 रुपये मैंने रेट पकड़ लिया घर का मिस्त्री सा, तो 1350 रुपया हमारा पॉइंट का लगाने, मतलब उसमें उसने वायरिंग जो उसमें पाइप होती है, पाइप वायरिंग लगाने का उसने 1350 रुपया हमसे ले लिया। 15 पॉइंट जो लगाए थे उसमें तार भी लगनी थी, वायर भी लगी, फिर उसमें हमारी पाइप भी लगी, ठीक है। उसका अप्रोक्स खर्चा 340 रुपए हमने पकड़ लिया एक पॉइंट का, एक पॉइंट का कितना 340 रुपए। तो 15 पॉइंट है तो 55,000 रुपए हमारा अप्रोक्स उसका लग गया। और ये तार सिर्फ अंदर अंदर ही नहीं घूमी, ये कहां स्विच तक तार गई है, तो उसका खर्चा भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो 340 रुपया 15 पॉइंट थे। और एलईडी, एलईडी का खर्चा 13 पॉइंट एलईडी थी, ये 13 एलईडी लगाई हुई थी हमने ये, और 3-2 पॉइंट हमारे जो अंदर से निकाले होते हैं एलईडी स्ट्रिप के लिए। 13 एलईडी है 220 रुपए की, आप सिस्का की लो, किसकी, हमने सिस्का की ली, 220 रुपए की हमें एक लाइट मिली थी। इसमें भी 8 वाट, 6 वाट या 10 वाट, तो आपको इस पे वीडियो चाहिए, जो भी वीडियो चाहिए होती है कमेंट कर देना। 220 रुपए उसका खर्चा पकड़ लिया, 2,860 रुपए हमारे एलईडी का खर्चा आ गया। स्ट्रिप, अंदर स्ट्रिप डाली हमने वार्म लाइट, तो 10 मीटर की अप्रोक्स 100 रुपया मीटर वो इस समय आपको मिल जाएगी, कोई भी अच्छी कंपनी की मिल जाएगी, चाइनीज मत लेना। 100 रुपया मीटर मिल रही है तो 1,000 रुपए की हमारी स्ट्रिप आ गई, तो 10,310 रुपया हमारा लाइटनिंग का खर्चा आ जाता है। लगा लो जितने में आपकी फॉल सीलिंग बनेगी उसके बराबर आधा खर्चा उसका हमारा इसका हो जाता है। फिर यही काम खत्म नहीं होता है, जो आपने पीओपी करवाई होती है उसकी लुक नहीं दिख रही होती है, उसमें निशान होते हैं, तो उस पर हमें पुट्टी और प्राइमर करवाना पड़ता है, तो उसका खर्चा आपको कोई नहीं बताएगा। तो पुट्टी प्राइमर का खर्चा कितना आ जाता है, अप्रोक्स 1.5 लीटर प्राइमर हमारा लग जाएगा 10x12 के कमरे के लिए। मतलब जो हमारा 1 लीटर प्राइमर होता है वो कोई 200 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर लेता है, कितना 200, तो 1.5 लीटर हमने पकड़ लिया, 250 रुपये रेट पकड़ लिया, 375 रुपये का हमारा प्राइमर आएगा मटेरियल। फिर पुट्टी भी लगेगी, तो एक केजी पुट्टी 14 से 16 स्क्वायर फीट एरिया में लगती है, ठीक है। तो डबल कोड हमने करवाया, सिंगल करवा सकते हो कोई दिक्कत नहीं, सिंगल करवा के प्राइमर करवा दो, लेकिन डबल हमने करवा दिया। तो अगर 1 केजी 14 से 16 स्क्वायर फीट हो रहा है तो 241 हमारा टोटल एरिया है, तो 14 से डिवाइड करेंगे, हमारी अप्रॉक्स 15 से 17 केजी हमारी पुट्टी लग रही है, तो 20 केजी का बैग पुट्टी का 1100 का आता है, ठीक है, ठीक है। और फिर लेबर, 4 रुपये लेबर ले जाएगी पुट्टी और प्राइमर करने का, तो 200 स्क्वायर फीट का हमारा अगर कमरा बन रहा है तो 4 रुपये 800 रुपये हमारा लेबर ले जाएगा। टोटल करेंगे कुछ 2,275 रुपये हमारा पुट्टी प्राइमर का खर्चा आ जाएगा उस फॉल सीलिंग को करवाने में। तो टोटल अगर हम पकड़ते हैं 19,280 जो हमारा पीओपी करवाने का आया था फॉल सीलिंग, 19,280, 10,310 रुपये हमारा बिजली का खर्चा था और 2,275 रुपये हमारा पुट्टी का खर्चा, तो अप्रॉक्स 31,865 रुपये लगते हैं किसी एक पीओपी की फॉल सीलिंग करवाने में अच्छे से।